विश्लेषण भारत में खेतों में जल रही आग पर है, जो हर वर्ष अक्टूबर से धधकना शुरू होती है और पूरे सर्दी के मौसम में ऐसी धधकती है कि पूरा उत्तर भारत धुंध की चादर ओढ़ लेता है। भारत में पराली जलाने का मौसम शुरू हो गया है। इसे मैं मौसम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हर साल आता है। बीते कई वर्षों से इस मौसम के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भले ही बाकी मौसम के आने जाने का समय बदल जाए, लेकिन पराली जलाने के मौसम की टाइमिंग कभी नहीं बदलती। इस बार भी पराली जलाने का मौसम अपने तय वक्त पर आ ही गया, जिससे फिर राजधानी दिल्ली समेत NCR का दम घुटने लगा है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में जैसे ही पराली जलती है, उसका सीधा असर दिल्ली में दिखता है। दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, लोग मास्क लगाकर बाहर निकलने लगते हैं। पराली की इस समस्या को लेकर एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ती है। ये हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। पराली जलाना इतनी बड़ी समस्या है कि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद अब भी धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है, खासकर हरियाणा में। आज मैं आपको हरियाणा के उन खेतों में लेकर जाऊंगा जहां के CM ये दम भरते हैं कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। भारत सरकार के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वर्ष 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कुल 2,974 पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले वर्ष यानी 2022 में 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक भारत में पराली जलाने की 2,867 घटनाएं हुई थी। यानी इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। अब जरा आपको भारत में जलती हुई पराली का एक वर्चुअल टूर करवाते हैं। इस समय आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से पराली जलाने की घटनाओं पर जारी किया गया भारत का रियल टाइम मैप दिख रहा होगा। इस रियल टाइम मैप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पराली धधकती दिख रही है। मैप में उत्तर भारत के हिस्सों पर आप जो पिंक डॉट्स देख रहे हैं, ये जलती हुई पराली है जिसे इसरो की सैटेलाइट हर रोज कैप्चर करती है। रियल टाइम मैप देखकर आपको अंदाजा हुआ होगा कि सरकार की रोक का भी कोई असर नहीं है। अभी तक पंजाब पराली जलाने के लिए बदनाम था, लेकिन अब दिल्ली की मुसीबत बढ़ाने में पड़ोसी राज्य हरियाणा सबसे आगे। पंजाब में पिछले साल यानी वर्ष 2022 में 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक पराली जलाने की 2,189 घटनाएं हुई थी, जो इस वर्ष 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 1,407 है। यानी पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। अब मैं आपको हरियाणा के आंकड़े दिखाता हूं। हरियाणा में वर्ष 2022 में 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 464 पराली जलाने की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस वर्ष 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ये संख्या 20% बढ़कर 554 हो गई है। यानी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब सवाल है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार क्या कर रही है? तो इसका जवाब है, राज्य सरकार सिर्फ पराली को जलाने से रोकने और मामले कम होने के झूठे दावे कर रही है। आज आपको 4 अक्टूबर का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हो रहे हैं। पराली जलाने के मामले में लगातार हमारी नजर है और कहीं ऐसा कोई अलार्मिंग विषय नहीं है कि जिसकी चिंता हमको हो। जो पहले जितना था उससे कम ही है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल शून्य हो ऐसी हमारी ओर से एक प्रयत्न है। लेकिन उसमें जब तक कमर्शलाइजेशन पराली का नहीं होता, पराली बिकने के लिए ज्यादा केंद्र नहीं आगे आते यानी संस्थान नहीं आते, तब तक शायद कठिनाई आएगी। हम उस पर इंडस्ट्री में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि पराली से एथेनॉल बने, पराली से ऊर्जा बने, पराली और विषयों में भी काम आए। हरियाणा दिल्ली के बगल में है, यानी हरियाणा में पराली जलती है तो धुआं सीधा दिल्ली पर अटैक करता है। आज जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारी इस एक्सक्लूसिव
और कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आप किसानों की भी आवाज सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों सरकारें पराली जलाने से किसानों को रोकने में नाकाम हैं, और क्या जलती हुई पराली में गलत सिर्फ किसान है। आज ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पराली की वजह से हर साल दिल्ली NCR का, हरियाणा का, पंजाब का वातावरण प्रभावित होता है। हरियाणा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हरियाणा में पराली के मामले कम हो रहे हैं। यह हालत है सोनीपत का। सोनीपत नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा तो सिर्फ धुआं ही धुआं। अक्टूबर आते ही खेतों में पराली जलने लगती है, जिसका सीधा असर राजधानी दिल्ली की सांसों पर होता है। हर वर्ष बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे भी प्रदूषण की तरह ही हैं, जो हर वर्ष किए जाते हैं और फिर धुआं धुआं हो जाते हैं। हरियाणा के खेतों में उठता ये धुआं दिल्ली की सांसों पर अटैक करने लगा है। किसानों को न सरकार का डर है और न जुर्माने का, इसलिए हमने खुद सोनीपत से लेकर कुरुक्षेत्र वाया अंबाला तक का जायजा लिया। ये हरियाणा का सोनीपत है जो NCR में आता है। सोनीपत के खेतों में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर 2,500 से 15,000 तक का जुर्माना है, लेकिन इस जुर्माने से बचने के लिए किसानों ने भी तिगड़म लगाया हुआ है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए सोनीपत की। ये तस्वीर है सोनीपत की। हरियाणा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हरियाणा में पराली के मामले कम हो रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है किसानों को, लेकिन ये आप देखिए ये हालत है सोनीपत का। सोनीपत नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, NCR का क्षेत्र है, और किस तरह से आप देखिए कि पराली को जलने के बाद धुएं का एक पूरा गुब्बारा इस पूरे इलाके में एक तरह से फैला हुआ है, ये आप देखिए। और पराली को जलाया कुछ ऐसे गया है कि पहले खेत से पराली को लाया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर कंडों के सहारे रखकर पराली को जलाया गया। जहाँ जहाँ पर आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ धुआं ही धुआं यहाँ पर दिखाई देगा। सोनीपत के बाद हमारी टीम कुरुक्षेत्र पहुंची। कुरुक्षेत्र के जैनपुर गांव में धान की कटाई हुई, फसल ट्रॉली पर रखी गई और खेत में पराली धधक रही है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों जगहों पर पराली एक बहुत बड़ी समस्या है। पराली की वजह से हर साल दिल्ली NCR का, हरियाणा का, पंजाब का वातावरण प्रभावित होता है। अब इसी धुएं से मैं बाहर निकल रहा हूँ और मौजूद हैं इस समय हरियाणा के एक गांव में। अब हरियाणा सरकार बीते कई वर्षों से लगातार ये दावा कर रही है कि वो किसानों को पराली से रोकने के लिए कई सारे प्रयत्न कर रही है, उन्हें वो लिक्विड भी दे रही है जिससे किसान अपने खेतों में डाल सकें, लेकिन ज़मीनी हकीकत जिस तरह से आपने देखी कि किस तरह से, तस्वीरों में अगर आपको देख लीजिए कि किस तरह से हरियाणा में लगातार जो पराली का रिसाव है वो लगातार पराली का रिसाव भी हो रहा है और पराली को जलाया भी जा रहा है। सरकार की रोक के बावजूद किसान क्यों पराली जला रहे हैं, ये सवाल हमने किसानों से ही पूछा। किसानों ने जो बताया वो हरियाणा की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। अगर किसान तक दवाई टाइम से पहुंचेगी और मशीनरी टाइम से पहुंचेगी तो किसान मजबूर नहीं होगा पराली जलाने के लिए। किसान को आलू की फसल के लिए बहुत खेत की जुताई करनी पड़ती है, तब जाके खेत तैयार होता है, और इन्हीं मजबूरियों के चलते अब जो छोटे किसान हैं उनके पास इतने साधन नहीं हैं, इतनी मशीनरी लेने का इतना पैसा नहीं है कि वो मशीनरी लें या अपने खेत तैयार करें, तो मजबूरी में वो ये काम करते हैं।
हरियाणा के खेतों में जलती पराली और उठता ये धुआं दिल्ली के सांसों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। हम हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित सपेरा गांव भी गए, जहां चारों तरफ पराली का धुआं है। अंबाला में भी वही तस्वीर है जो सोनीपत और कुरुक्षेत्र में है। आपको हो सकता है मेरा चेहरा ना दिखाई दे रहा हो, और अगर दिखा दे रहा हो तो फिर धुंधला दिखाई दे रहा हो, धुंध के बीचों बीच में दिखाई दे रहा हो। ये सफेदा गांव की स्थिति है, हरियाणा में पड़ता है, अंबाला इसका जिला पड़ता है। स्थिति देख लीजिए कि गांव के कई एकड़ खेतों में पराली जल रही है। अंबाला के इस गांव के किसान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब पराली को लेकर हरियाणा सरकार ही गंभीर नहीं है तो किसान कैसे गंभीर होगा। ऑप्शन क्या बचेगा सर, पराली जलाकर भी फिर भी ये नष्ट नहीं होती, पर ऑप्शन यही है कि कुछ कुछ मोटी मोटी सी पराली जलाकर जिम्मेदार अपने हैरों के साथ ही से कुछ खेत में मिला लेता है, यही ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन है था जो ये सब्सिडी में संदेह देते थे कि पराली को ख़त्म किया जा सके, पर इनके संदों की सब्सिडी ही इन्होंने ऐसी कर दी कि 12 लाख का संदा लेना, 14 लाख का संदा लेना, 14 लाख के संदे में तक 80% की सब्सिडी है, तो जिम्मेदार 1 लाख तक 14 लाख रुपये कहाँ से लाएगा। ज़्यादा 80% जिम्मेदार जितने हैं वो 5 एकड़ वाले जिम्मेदार हैं, उनके पास से इतना पैसा कहाँ आ सकता। पराली का ये धुआं दिल्ली के आसमान में पहुंचने लगा है। जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी ये समस्या भी बढ़ती चली जाएगी। हर बार की तरह फिर पराली को लेकर पॉलिटिक्स होगी, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये कोई नहीं बताएगा। जो किसान है उनका ये कहना है कि पराली जलाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प आज की तारीख में नहीं मौजूद है। कैमरा पर्सन सूरज छेत्री के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया हरियाणा। अब आज का प्रेरक विचार। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, अंत में जीत उसी की होती है जो कभी सपने देखना नहीं छोड़ता। Z News.